वेलकम टू सिंगापुर नाउ वी आर एट चंगी एयरपोर्ट सी द ब्यूटी हर तरफ एक अलग ही नजारा है वाओ क्या ब्यूटी है सी द सीलिंग लगे रहो मेरे साथ बहुत जगह घुमाना है बहुत इंजॉय करना है जस्ट चिल जैसे आप चंगी एयरपोर्ट में आगे बढ़ते हैं तो आपको इसमें एग्जिट का दो गेट मिलता है एक तो प्लेन है एक बाहर सामने ही ज्वेल इनका बहुत बड़ा मॉल है जवेल मॉल उसमें वर्ल्ड का इंडोर हाईएस्ट जिसे कहते हैं टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है ज्वेल मॉल के अंदर मैंने कहा मॉर्निंग में फ़्लाइट पहुंच गई हमारी फ़्लाइट साढ़े सात बजे पहुंच गई ये मॉल दस बजे खुलता है तो हमने वहीं लॉन्च में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया मैंने कहा चलो भाई पहले मॉल के साथ साथ पहले चंगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर तो करें देखें तो क्या है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट और देखें लायक नजारे इसके देखिए इसकी सीलिंग देखिए क्या स्टाइलिश क्या डिज़ाइनर क्या आर्किटेक्चर बनाया है जबरदस्त चीज़ है देखे लायक तो जिधर देखो उधर सिंगापुर में देखे लायक आँखें थक नहीं रही थी कि किधर, किधर देखे किधर ना देखे कोई जगह छूट ना जाए कैप्चर करने से इतनी ब्यूटी है इतना नीट एंड क्लीन है ऑटोमेटिक चेकआउट है कोई टेंशन नहीं फटाफट निकलिए आप बाहर अपने आप सेल्फ इमिग्रेशन कराइए पासपोर्ट स्कैन होगा आप बीस मिनट के अंदर एयरपोर्ट से बाहर ये सिस्टम है उनका पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है ये देखिए क्या ब्यूटी है है तो सीलिंग देखी मैंने ऐसी ऐसी ज़बरदस्त सीलिंग मैंने आज तक नहीं देखी इतनी जगह मैंने ट्रैवल किया वर्ल्ड कितनी जगह दुबई भी गया और भी कई जगह गया बॉम्बे एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है चेन्नई एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है लेकिन ये देखने लायक है सब ये देखिए विंड मिल कितनी बड़ी बनाई है एयरपोर्ट के अंदर अपने आप में जैसे एक इतना कुछ देखने लायक है आप देखते जाइए घूमते जाइए देखते जाइए थक जाएंगे आप घूमते घूमते एयरपोर्ट की अट्रैक्शंस ख़त्म नहीं होंगे चंगी की ये देखिए पूरा साइनेज एकदम क्लियर है कहाँ जाना है किस एरिया में कोई भी आदमी पहली बार भी आए तो यू डोंट नीड टू आस्कनी वन आप साइनेज पढ़ पढ़ के आराम से एग्जिट जा से निकल सकते हैं ये देखिए पूरा टोटल सोलर पावर से ये ऑपरेट होता है पूरा रूफ़ टॉप कम्प्लीट सोलर है और नीचे पैनल्स लगे हुए हैं सारे इसके बहुत ही ब्यूटीफुल है बहुत ही नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है चंगी देखें लायक है इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इसमें टर्मिनल वन और टर्मिनल टू से एक स्काई ट्रेन चलती है जो सामने पूरा घूम के थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न आपको लगा के घुमा के आपको फिर वापस इसी टर्मिनल में छोड़ देगी ये देखिए सेल्फ चेक इन उसको लगाए देखिए ब्यूटी देखिए इसकी मतलब एक भी बंदा आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई खड़ा हुआ नहीं मिलेगा वहाँ पर अंटी यू नीड सेल्फ चेकिंग सब कुछ क्लियर है सारे डिस्प्ले बने हैं सामने आप देखिए साइनेज बने हैं सब तरफ कौन सी फ्लाइट किस समय आई क्या डिले है ये देखिए साथ में आपको कुछ भी लेना हो कोल्ड ड्रिंक को वगैरह लेने हो चिप्स लेने हैं तो आप सिंगापुर डॉलर डालिए उसको बटन प्रेस करिए वो निकल आएगा मशीन से डिस्पेंसर मशीन्स भी लगाई हैं साथ में फिर यह आर्किटेक्चर देखिए साहब हमने कहा भाई चलो टाइम है थोड़ा सा हम भी ज्वेल में घूम के आते हैं सामने ज्वेल मॉल में और स्काई ट्रेन का थोड़ा मज़ा लें क्या चीज़ है तो उससे पहले एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लें ये देखिए क्या ब्यूटीफुल क्या मतलब क्रिसमस करके पूरा डेकोरेशन इतना ज़बरदस्त था ये देखिए सामने आपको स्काई ट्रेन दिख रही है ये टर्मिनल वन से हमने देखा सामने स्काई ट्रेन है पूरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एक बार आप अंदर जाएंगे चेक इन करेंगे तो एयरपोर्ट से कंप्लीट आपको 360 डिग्री का राउंड करा के जहाँ से निकालेगी इसी टर्मिनल में वापस ला छोड़ देगी आपको और इसमें पूरा आपको वो मिलेगा देखिए आप सामने देख रहे हो वो स्काई ट्रेन चल रही है इसको मोनोरेल भी बोलते हैं स्काई ट्रेन भी बोलते हैं ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि देर इज नो मैन विदाउट मैन ऑपरेटेड ट्रेन है ऑटोमेटिक है पूरी कोई बंदा बैठा नहीं इसमें है इसमें ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम है ऑटोमेटेड है हम भी जो इसमें बैठे हमने देखा भाई ड्राइवर कहाँ है <laughs> ड्राइवर ट्रेन है ये कहाँ जा रही है स्काई ट्रेन लेकिन ऑटोमेटेड है पूरा सब सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है ये देखिए दो दो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इसमें जैसे बस के साइज़ के इसमें अंदर बैठ के इसका व्यू देखिए क्या ब्यूटी है बहुत ही खूबसूरत हम भी कहा चलो भैया अब आए तो एक बार इसके एयरपोर्ट का इसका भी व्यू लें एक बार स्काई ट्रेन का भी मज़ा लें <laughs> दुबई में याद है मैंने आपको मोनो रेल में सफ़र कराया था काफ़ी हाइट पे गई थी जो हम पाम पर गए थे अटलांटिस में ये देखिए आप ऊपर से जब चलेंगे तो पूरा सिंगापुर का आपको एयरपोर्ट के साथ थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा व्यू मिलेगा ओ सामने जो कांच का आपको बिल्डिंग दिख रही है ये पूरा ज्वेल मॉल है इनका सामने इसमें वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी पहले इसकी ब्यूटी देखिए <laughs> स्काई ट्रेन की बहुत ही खूबसूरत है आप घूमते जाइए नज़ारे लेते जाइए चंगी एयरपोर्ट के <laughs> बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं तो मतलब आप रियली इंजॉय करेंगे आप अंदर जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा देख के क्या चीज़ है ये पूरा ट्रेन ट्रेन आपको टर्न करा के वापस ला के वहीं छोड़ देंगे जो दूर से आपको कांच की बिल्डिंग दिख रही है सामने ये ज्वेल मॉल ये स्टार्ट हुआ है इसके अंदर का वर्ल्ड का पता है आपको वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटर फॉल है अंदर ब्यूटीफुल बना है बहुत ही खूबसूरत मतलब चंगी आएगा एक बार स्काई ट्रेन से यहाँ जाके ना देखे तो बेकार उसका आना पर हर आदमी जो भी टूरिस्ट आता है ऐसा टाइम निकाल के आता है कि इसमें से एक बार मतलब दूर से ही आपको दिखेगा एक अलग ही नायाब बिल्डिंग बेहतरीन आर्किटेक्चर और गजब की बहुत ही ख़ूबसूरत बिल्डिंग है देखिए पार्किंग देखिए सामने सेवन स्टोरीज पार्किंग है कार की मॉल के अंदर जो आएंगे काफ़ी रश होता है वीकेंड्स में यहाँ पे लोग आते हैं बहुत बड़ा ये प्रॉपर मतलब अट्रैक्शन है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट का ज्वेल मॉल लोग आते हैं दूर दूर से इसको देखने के लिए तो ट्रेन घुमा रही थी हम भी इन्जॉय कर रहे थे स्काई ट्रेन में बैठ के पूरा थ्री डिग्री व्यू लिया हमने ट्रेन में बैठ के ऊपर से चंगी एयरपोर्ट के साथ ही ज्वेल मॉल का देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया है और देखने लायक नज़ारे इसके अभी देखिए मैं आपको इसके अंदर लेके कर चलूँगा तो आपको आइडिया लगेगा क्या चीज़ है एक्चुअली ये क्या क्या मतलब डिजाइनिंग है क्या दिमाग है क्या वहाँ के आर्किटेक्ट का मतलब ये सोचिए कि क्या कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्ट किया उन्होंने माइंड को कि किस टाप से कैसे क्या बिल्डिंग बनानी है कि एक टूरिस्ट के लिए प्रॉपर अट्रैक्शन रहे जो अंदर आए वो जरूर देख के आए क्या बनाया उन्होंने गज़ब की चीज़ है बहुत ही खूबसूरत तो देखिए जैसे आप ज्वेल मॉल के अंदर जाते हैं ही आपको ऊपर से दिखता है नज़ारा देखिए ये सेवन स्टोरी इसमें पूरे अंदर ही अंदर इंटरकनेक्टेड है और ये आपको ये देखिए सामने ये आपको दिख रहा है ये फाउंटेन ये ऊपर से सेवन स्टोरी इसकी एक्चुअल हाइट है ये फोर्टी मीटर हाइट है इसकी पूरी है जहाँ से ये ऊपर से सेंटर से पूरा वाटरफॉल होता है नीचे तक जबरदस्त अट्रैक्शन है टूरिस्ट का सब आके इसमें देखिए फोटो खींचते हैं इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब वाले खूब इंजॉय करते हैं ज़बरदस्त चीज़ें देखने लायक पीछे एक क्रिसमस का ट्री बनाया एको है एक और आपको वाटरफॉल दिखेगा ऊपर देखिए ब्रिज भी बनाया है अगर आपको वैसे फ़ोटो लेनी है आप ब्रिज पे जा करके वहाँ से भी वाटरफॉल के पास से फ़ोटो ले सकते हैं हमें तो वही स्काई ट्रेन से नज़ारे लिए फिर मेरे बाद में सामने ज्वेल मॉल में जाके उसकी एक अलग वीडियो बनाई वो भी आपको दिखाऊँगा मैं